हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका मित्तल आज आपको फिजिक्स प्लस की क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 19 में कार्नोट थ्योरम। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको अपडेट उसका मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज जैसे ही मैंने बोला था कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे हम, तो उसके दो स्टेटमेंट हैं, जो कि पहला स्टेटमेंट कहता है नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर इफिशियंट देन आर रिवर्सेबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर। पहले हम इन स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कि आखिर कार्नोट थ्योरम कहना क्या चाह रही है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कार्नोट साइकिल और कार्नोट हीट इंजन के लिए सेपरेटली अलग अलग लेक्चर बना रखे हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। कार्नोट ने अपना जो हीट इंजन बनाया था वो रिवर्सेबल साइकिल के लिए बनाया था। ऐसे इसमें ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस से एक रिवर्सेबल साइकिल होता था पीवी डायग्राम में, और उसने अपने 4 कंपोनेंट लिए थे, जो कि एक सिलेंडर था, सिलेंडर में कंडक्टिंग बेस, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, और ये परफेक्टली इंसुलेटर वॉल्स थी, एक पिस्टन था जो कि फ्रिक्शन लेस था, एक सोर्स था जिसकी लार्ज हीट कैपेसिटी थी और जो कि हाई टेम्परेचर पे था, एक स्टैंड था जो इंसुलेटेड था, और एक सिंक था जो कि लार्ज हीट कैपेसिटी का था, और साथ में इसका टेम्परेचर जो था वो सोर्स के टेम्परेचर से कम था। शायद आपको फिर से रिमाइंड हो गया हो। ये सब चीज़ लेकर और इस रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो करके कार्नोट ने अपने हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए एक फार्मूला निकाला था, 1 - Q2/Q1। फ्रेंड्स, इसको हमने दिखाया था, ये होता है 1 - T2/T1, जिसमें T2 सिंक का टेम्परेचर था जो कि कम था T1 के टेम्परेचर से। और हमने ये भी बताया था अगर T2 को ज़ीरो कर दिया जाए, 0 केल्विन, ये ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम जो भी टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन में चेंज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बताने वाली हूँ किस तरह से टेम्परेचर आए, डिग्री सेंटीग्रेड, फिर फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन, इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर कैसे आए, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि हम हमेशा केल्विन में ही क्यों थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं या लेते हैं न्यूमेरिकल करने में। तो फ्रेंड्स, T2 अगर 0 केल्विन हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1, दैट मीन्स 100%। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर को ऑब्टेन करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। ठीक है, इतना कम टेम्परेचर, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस लेते हैं फ्रेंड्स, वो आसानी से मिल जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ऑप्टेन करना इतना पॉसिबल नहीं होगा। और साथ में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे या हीट इंजन बना रहे होंगे, उसमें इतने कम टेम्परेचर को मेंटेन करना और इस हीट रिवर्सिबल हीट इंजन को सर्कुलेट करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है एफिशिएंसी बढ़ाने की, कि ये जो T1 टेम्परेचर है ये इनफाइनाइट लार्ज हीट कैपेसिटी का हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, एफिशिएंसी जो होती है रिवर्सिबल इंजन की, वो 1 से लेस ही होगी। ओके, 100% एफिशिएंट रिवर्सिबल हीट इंजन भी नहीं ऑब्टेन किया जा सकता। हालांकि थ्योरेटिकली दिया जा सकता है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 ही होगी, लेकिन अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, जैसे 60%, 70%, 80% करनी है, तो आप क्या करेंगे, या तो सिंक का टेम्परेचर कम कर देंगे, जितना पॉसिबल कम कर सकते हैं, या फिर सोर्स का टेम्परेचर उतना ही बढ़ा दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सकती है। अब हम बात कर रहे थे कार्नोट थ्योरम की। कार्नोट थ्योरम में जो कार्नोट ने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वो देखिए ध्यान से समझते हैं क्या है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अगर एक सोर्स है और एक सिंक है। अभी तक आपको शायद समझ में आ गया होगा सोर्स क्या था, जिससे कोई भी हीट इंजन हीट को लेता है और उसको वर्क में चेंज करता है और बची हुई हीट को
सिंक के अंदर डाल देता है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये क्लियर हो गया था कि पूरी की पूरी अमाउंट ऑफ हीट कोई भी हीट इंजन लेके पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, थोड़ा सा अमाउंट वो रिजेक्ट जरूर करेगा, वो सिंक के अंदर जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट था। तो हमेशा दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में ही हीट इंजन वर्क कर सकता है। हो सकता है ये सिंक आपका एटमॉस्फेयर हो, यानी एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर रहा है वो हीट, लेकिन हमेशा दो आपके पास होने चाहिए ये, ठीक है। तो एक हीट रिजर्वायर ये है और एक ये है, इनके बीच में एक हीट इंजन वर्क कर रहा है और एक और हीट इंजन वर्क कर रहा है। अब ये मान लिया इरिवर्सिबल हीट इंजन है और ये रिवर्सिबल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप आई आर लिख दिया है, ये इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्नोट का फर्स्ट पार्ट बोलता है कि नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर इफिशियंट देन ए रिवर्सेबल कार्नोट इंजन। दैट मीन्स कि कोई भी हीट इंजन हो, आप अगर इसे इरिवर्सेबल की जगह ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी इंजन हो अगर वो सोर्स और सिंक दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहा है, तो इसकी एफिशियंसी और इसकी एफिशियंसी के बारे में अगर कंपेरिजन किया जाए, इसे वन इसे टू रखें, तो सिग्मा वन ऑलवेज लेस देन सिग्मा टू होगा। यानी कि अगर हम दो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में, ये टी वन है ये टी टू, इसमें एक हीट इंजन जो कि इरिवर्सिबल है, एक हीट इंजन जो कि रिवर्सिबल है, इन दोनों को वर्क कराएं, तो इरिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सिबल से कम ही होगी, ठीक है, क्लियर है। सिग्मा वन ऑलवेज लेस देन सिग्मा टू, रिवर्सिबल इंजन की सेम लिमिट के बीच में अगर वर्क करा रहे हैं तो हमेशा जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो मोर एफिशिएंट होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी वॉट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स, ये हमें बताता है अगर एक सोर्स है और एक सिंक है, इसके बीच में हमने दो रिवर्सेबल हीट इंजन डाले हैं, इसे हमने रिवर्सेबल आर वन बोला और इसे आर टू बोला, ठीक है। तो अगर ये सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहे हैं, यानी कि इसको वर्क करा रहे हैं, इसको वर्क करा रहे हैं, ये भी टी वन टेम्परेचर पे ही टी टू, और इसको भी टी वन टी टू के बीच में ही वर्क करा रहे हैं, तो इन दोनों की एफिशियंसी सेम ही होगी, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो ये थ्योरम का ये वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर वर्किंग सब्सटेंस आपका, चाहे इसमें मान लिया आपने डीजल रख दिया है और इसमें आपने वर्किंग सब्सटेंस वॉट एवर जैसे स्टीम रख दिया है, ठीक है, तो चाहे कुछ भी वर्किंग सब्सटेंस हो, अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अभी बताया था मैंने सिग्मा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन के इक्वल होता है, और यानी कि जो एफिशिएंसी है वो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये चीज़ भी इससे प्रूव हो रही है, दो रिवर्सिबल इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करने पे सेम एफिशिएंसी के ही वर्क देंगे, सेम वर्क देंगे या सेम एफिशिएंसी देंगे, ठीक है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या किया, हमें प्रूव करना है कि एक सोर्स है एक सिंक है, ठीक है, और इसमें एक हीट इंजन रखा है जो कि इरिवर्सिबल है, इसे ई से रिप्रेजेंट किया है, और एक रिवर्सिबल इंजन है, और ये सेम टेम्परेचर लिमिट में ये बीच में काम कर रहे हैं, और मान लिया सोर्स से जो ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है वो क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट लेता है और डब्ल्यू वर्क देता है, और साथ में कितना बचा, क्यू वन माइनस डब्ल्यू, इतनी हीट को रिजेक्ट करके सिंक में डाल देता है, ठीक है। हीट इंजन का यही प्रोसेस होता है, ये इसने अपने, ये इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में करेगा। रिवर्सिबल इंजन ने क्यू वन डैश हीट ली, वर्क में कन्वर्ट किया, और क्यू वन डैश
माइनस डब्लू, इतनी हीट को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये भी डब्लू लिया है, ये भी डब्लू लिया है, तो हम इस तरह से सेट कर रहे हैं अपने इंजन को कि दोनों के वर्क जो भी जिस तरह से काम करेंगे वर्क सेम दें, ठीक है। तो यानी दोनों में हमने वर्क सेम लिया है। अब ये दोनों हीट इंजन सेम वर्क दे रहे हैं और वॉट एवर ये जितना भी हीट ले रहे हैं वो अलग अलग ले रहे हैं। इसने Q1 ली है, इसने Q1 डैश ली है सोर्स से, लेकिन वर्क दोनों ने सेम दिया है। तो अगर हम एफिशिएंसी निकाल लें, एफिशिएंसी फॉर हीट इंजन इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन जितनी हीट ये लेता है, ये फॉर्मूला है, जितना वर्क करता है अपॉन जितनी हीट वो सोर्स से लेता है। और अगर हम एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन R के लिए निकाल, रिवर्सिबल इंजन के लिए निकालें, वो W, क्योंकि W सेम है, अपॉन Q1 डैश हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि इसकी एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी कम है रिवर्सिबल से, यानी रिवर्सिबल की ज़्यादा है। अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं, उसको प्रूव कर देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। उल्टा क्या लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी ग्रेटर है रिवर्सिबल से। कार्नोट तो ये कह रहे थे ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ओके। अब क्या किया आपने, W अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन W अपॉन Q1 डैश, इससे क्या निकल के आया, Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है, W से W हट के इधर से ये ऐसे आ गया, तो ये आपने एज्यूम किया। अगर ये एज्यूम किया तो ये निकल के आया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। रिवर्सेबल में तो रिवर्स प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इस वाले हीट इंजन में नहीं हो सकता। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर कोई भी रिवर्सेबल इंजन है, अगर रिवर्स प्रोसेस में, यानी कि पहले तो ये इस वाले प्रोसेस में तो इसने लिया, फर्स्ट जो केल्विन का स्टेटमेंट बोल रहा था, कुछ हीट ली, उसने वर्क में चेंज किया और बची हुई को रिजेक्ट करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, जितनी हीट ली उस पूरे को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। केल्विन का स्टेटमेंट हमने फॉलो कर लिया कि कुछ हीट ली, वर्क में कन्वर्ट हुआ, कुछ रिजेक्ट हो गया। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट लेना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि कुछ हीट जब सिंक में से सोर्स के अंदर जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिवर्स प्रोसेस में यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाए विदाउट एडिशन ऑफ वर्क। तो हमें कुछ वर्क को ऐड करना पड़ेगा जब हम इसको रिवर्सिबली चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये सोचा कि हमने इस तरीके से सेट कर दिया है इस वाले पूरे हीट इंजन को, जिसमें हीट इंजन भी है और रिवर्सिबल इंजन भी है, कि इसका जितना वर्क है वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। डब्लू वर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो ये इसके अंदर आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको रिवर्स प्रोसेस में कर रहे हैं, तो तभी क्या होगा, यहाँ से Q1 डैश माइनस W वर्क लिया, इसमें W ऐड हो गया और Q1 डैश वापस, ये सेकेंड डायग्राम है, ठीक है। अब हमने एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी है, सिंक से जा रहा है Q1 डैश माइनस W, W इसमें ऐड हो रहा है और Q1 डैश अब बचा, क्योंकि ऐड हो गया इसमें, ये कट गया, Q1 डैश ये सोर्स के अंदर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, रिवर्स में रिवर्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हमने प्रोसेस कर दिया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि सोर्स से नेट कितनी हीट निकली और सिंक में कितनी गई, अब हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर आप देखें तो सोर्स में से कितनी हीट निकली पूरे प्रोसेस में, Q1 और इसमें Q1 डैश अंदर गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो Q1 डैश माइनस Q1, इतनी हीट सोर्स से रिजेक्ट हुई है, एमिट हुई है, आपने निकाली है। Q1 डैश किसके अंदर गई है और Q1 बाहर निकली है। अगर सिंक की बात करें तो सिंक में क्या हुआ, Q1 डैश माइनस W गई और Q1 डैश माइनस W, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, Q1 डैश माइनस Q1, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि सोर्स और सिंक, सोर्स से इतनी हीट आई और इतनी हीट ही सिंक से के अंदर चली गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जितनी हीट निकली उतने भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगर आप इस पूरे को देखें, आप इसने सेकेंड जब रिवर्सेबल प्रोसेस किया तो इसको ऐड कर दिया था डब्लू को, अब हम इसको एक सिंगल यूनिट बोलते हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट बोल रहे हैं। तो अब सिंक से कितना टेम्परेचर लूज हो रहा है, Q1
Q1 - Q1 और इसके अंदर कितना ऐड हो रहा है Q1 - Q1 और वर्क आपने बाहर से नहीं किया है क्योंकि इंटरनली आपको ऐसे डिज़ाइन कर दिया था इसको कि इससे इसको वर्क मिल रहा है लेकिन बाहर से तो कुछ नहीं इतना सिंक में से गया और इतना ही सोर्स के अंदर ऐड हो गया तो ये चीज़ क्लॉसियस की स्टेटमेंट यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की सेकेंड स्टेटमेंट जो है क्लॉसियस का उसके अकॉर्डिंग ट्रू नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता कि सिंक में से जितनी हीट निकाली है उतनी ही सोर्स में ऐड हो जाए बिन और रिवर्स प्रोसेस भी हो जाए और बाहर से कोई हीट आपको कोई वर्क करना भी ना पड़े ठीक है अगर आपको ध्यान नहीं है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं क्लॉसियस ने बोला था कि अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस करना है तो सिंक से सोर्स की तरफ हीट तभी ऐड होगी जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तो इंटरनली इस तरह से सेटअप कर दिया था कि इसने वर्क ऐड किया था तो चला है लेकिन अगर आप इसको एक सिंगल यूनिट मान के देखें तो टोटल उसमें साइकिल में इतना अमाउंट ऑफ हीट सिंक से रिजेक्ट हुई और इतने अमाउंट ऑफ हीट उसमें ऐड हुई सेम है ना तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं का मतलब है कि ये कंडीशन जो आपने एज्यूम की थी ये पॉसिबल नहीं है कोई भी इंजन कैन नॉट बी मोर इफिशियंट देन अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट ठीक है फ्रेंड्स तो हमने ये प्रूव कर दिया है इस तरह से तो इस तरह से आप कार्नोट का सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में आपने दो रिवर्सिबल इंजन लिए हैं और उनके वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो तो उन दोनों की एफिशिएंसी सेम ही होगी फ्रेंड्स ये मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैं टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करूँगी उसके बाद हम एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं Thank you.